बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। आज सऊदी जनरल अथॉरिटी ऑफ सिविल एविएशन की तरफ से नया ऐलान सामने आया है, जिसमें सऊदी अरब में आने वाले तमाम अफराद के लिए कोरोना की वजह से नई हदायत जारी की गई हैं, जो कि 20 मई से नाफिजुल अमल होंगी। वजारत दाखला की तरफ से सऊदी अरब में ऑपरेट करने वाली तमाम इंटरनेशनल परवाज़ों को पाबंदी से मुस्तस्नात ममालिक के शहरियों को सऊदी एयरपोर्ट्स पर लाने के लिए क्वारंटाइन के तरीक़ाकार का सर्कुलर जारी कर दिया गया है, जिसके मुताबिक बैरूनी ममालिक से सऊदी अरब आने वाले अफराद के टिकट्स में हेल्थ इंश्योरेंस की कीमत भी शामिल कर दी गई है, जो कि टिकट की पेमेंट के साथ अदा करना होगी, ताकि खुदा न खास्ता किसी को कोरोना की शिकायत निकल आए तो इसका इस इंश्योरेंस के तहत इलाज किया जाएगा। 8 साल या इससे ज़ायद उम्र के मुसाफिर जिन्होंने वैक्सीन की एक डोज दी है और वो जिन्होंने अब तक एक भी नहीं ली, इनको PCR रिपोर्ट पेश करना होगी, जो कि फ़्लाइट के टाइम से 72 घंटे से ज़ायद ना हो। ऐसे मुसाफिरों को सऊदी अरब में 7 दिन के लिए क्वारंटाइन होना होगा। 6ठे दिन इनका PCR किया जाएगा, अगर नेगेटिव आएगा तो अगले दिन क्वारंटाइन ख़त्म कर दिया जाएगा। ऐसे मुसाफिर जिन्होंने वैक्सीन की दोनों डोज ले ली हों, तो ऐसे मुसाफिरों को क्वारंटाइन की ज़रूरत नहीं होगी। उनके लिए वैक्सीन के मुकम्मल कोर्स का सर्टिफिकेट डिपार्चर और अराइवल दोनों एयरपोर्ट्स पर दिखाना लाजमी होगा। ऐसी अपडेट से बाखबर रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। शुक्रिया।